क्या होती उतरन। मौसी जी, क्या आपने कभी हम में या भाई में कोई फर्क समझा? देख दिव्या, खून के रिश्ते और उस नौकरानी के रिश्ते को साथ मत मिला। मौसी जी, आप शांत हो जाइए। देखिए, हमने दामिनी और इच्छा के साथ बहुत अन्याय किया है। दिव्या, तो हम अपनी बात पूरी कर लें। मौसी जी, हमने इन दोनों को कितना बुरा भला कहा, लेकिन दामिनी ने कभी मुड़कर जवाब दिया, ना हमारी सेवा में कोई कमी रखी। आप ही बताइए, हम कैसे उतारें उसका ऋण? मौसी जी, दामिनी और इच्छा इस परिवार का हिस्सा है, आप भी मान जाइए ना। जामी रखी। मौसी जी, इसकी पढ़ाई कर। ये क्या, तेरी किताब कैसे फट गई? कुछ नहीं अम्मो, वो तो ऐसे ही पप्पू के पापा किताब देख रहे थे तो अचानक से तप्पू ने खींच ली किताब, इसी वजह से फट गई। अम्मू, तप्पू के पापा ने तप्पू को डांटा भी, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे को बहुत बुरा लगा। अम्मू, तू कुछ सोच रही है? इचकी, तू बेबी जी का ध्यान रखना। हाँ, बेबी जी तेरी सबसे अच्छी दोस्त है। हाँ अम्मू, तू चिंता मत कर, मैं तप्पू का हमेशा ध्यान रखूंगी। कोई हमसे प्यार नहीं करता, पापा भी नहीं। अब तो इच्छा ही पापा की लाडली बेटी है, उसकी तारीफ करते, उसे पढ़ाते, उसे गोद में खिलाते, हमें तो सिर्फ डांटते ही रहते हैं पापा। ऐसा नहीं कहते टप्पू बेटा, इच्छा तो आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना, आपकी वजह से तो वो इस घर में आई थी ना, और आज वो हवेली में है तो आपकी वजह से। क्या हुआ अगर नौकरानी की बेटी है तो आपकी बहन ना? वो हमारी बहन नहीं है, वो हमारी बहन। रामे राखे, ये बात समझने में तो बहुत देर हो गई बेटा। अब तो इच्छा ने आपके माँ पापा के दिल में अपना घर बना लिया, वो उसी से ज्यादा प्यार करते हैं। वैसे भी इच्छा पढ़ाई में भी अच्छी है, खेलकूद में भी सबसे आगे है, इसीलिए तो पापा उसे सबसे ज्यादा शाबाशी देते हैं। इच्छा तो आपसे हर चीज में अच्छी है। इच्छा हमसे आगे नहीं है, हम इच्छा से आगे और हमारे पापा सिर्फ हमसे प्यार करते हैं। पिछले साल हमारी ड्राइंग लगी थी, चल ना तप्पू देखते हैं। इच्छा, तुम्हारी स्केच लगी है नोटिस बोर्ड पर, द बेस्ट इन द प्राइमरी सेक्शन। तपस्या की ड्राइंग हर महीने सिलेक्ट होती थी, पर इस बार तुमने क्या बढ़िया ड्राइंग बनाई है, सच में। What a nice drawing! Congratulations! तपस्या, तू कितनी खुश होगी ना? You must be proud of yourself. इच्छा, I am so proud of you बेटा। तुम्हारा स्केच सिर्फ प्राइमरी सेक्शन में ही बेस्ट नहीं आया है, बल्कि इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में भी सिलेक्ट हो चुका है।
डार्लिंग सिट डाउन प्लीज. आयशा, अनीता, इच्छा, किरल, अपने अपने रोज से सब स्टूडेंट से अपने मैथ्स होमवर्क की कॉपीज कलेक्ट कर लीजिए प्लीज. जिस स्टूडेंट ने अपने होमवर्क की कॉपी सबमिट नहीं की है, दे कैन बेटर गेट आउट ऑफ माय क्लास. इज दैट क्लियर? टीचर, मैंने अपना होमवर्क किया था, लेकिन मेरे को मेरी कॉपी मिल नहीं रही. अच्छा, रूल्स आर सेम फॉर एवरीवन. अगर आप अपनी कॉपी लाना भूल गई, इट्स योर मिस्टेक एंड यू डिजर्व पनिशमेंट फॉर द सेम. You better go out of my class. Out. Sorry, teacher. Please, I can't help it. Out. Out. Teacher, you also, please. ये देखिए टप्पू बेटा, ये हैं भगवान श्री राम और ये हैं कृष्ण जी. नानी, आपके पास कितने सारे तस्वीर हैं? देखना, हमारा प्रोजेक्ट सबसे अच्छा होगा. नानी, हम इसे काटेंगे, हम यहाँ चिपकाएंगे और फिर आप हमें नाम बताना और हम लिख देंगे. ठीक है. हमारे सीजर रूम में ही रह गए, हम अभी लेकर आते हैं. एक मिनट टप्पू. हे चुया, जा टप्पू के कमरे में मेज है ना, उस पे कैंची रखी है, लेके आ. कैंची लाने में एक घंटा लगता है क्या? बड़ी पड़ाकू बनी घूमती है. अंग्रेजी स्कूल में दाखला लेने से अंग्रेजी नहीं आती है. क्या बात है? बेबी जी ने कुछ कहा?
बेबी जी से कुछ हुआ है ना?